कौवो लो 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 लो। ऐसे गाने गाता हुआ कालू कौवा जा रहा था कि बेख्याली में वो एक पेड़ से टकरा कर गिर जाता है। उसके सर पर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद मिठू वहाँ से गुजरता है। वो कौवे को गिरा हुआ देखकर वहाँ आता है। कालू कालू उठो कालू, ये तो बोल ही नहीं रहा, ये तो मर गया है। मैं जल्दी से जाकर इसकी पत्नी गौरी कौवे को बताता हूँ। मिठू तोता कौवे के घर की तरफ भागता है। गौरी गौरी, कालू कालू मर गया, कालू मर गया है। कालू मेरा कालू, क्या हुआ मेरे कालू को? अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी अपने कालू जी के बिना? वो पेड़ से टकरा कर गिरा पड़ा था। मैंने उसे बुलाने की कोशिश की मगर वो तो मर चुका था। मिठू वहाँ से चला जाता है और गौरी बैठकर रोने लगती है। मैं रोज तुमसे लड़ाई करती थी कालू जी, मुझे माफ कर देना। मुझे क्या मालूम था कि तुम मर जाओगे? अगर मालूम होता तो मैं कभी तुमसे लड़ाई ना करती। हाय मेरा कालू मुझे छोड़कर चला गया। गौरी अब अकेली हो गई है, हम सबको मिलकर उसकी मदद करनी होगी। हम सब शाम को घर लौटते समय थोड़ा भोजन गौरी को दिलाया करेंगे, इससे उसे कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर सभी पक्षी जब शाम को घर लौटते हैं तो वो गौरी कौवे के लिए भोजन लेकर आते हैं। चिड़िया मीठा फल लेकर आती है, तोता एक अमरूद, कबूतर की जंगल में दुकान थी वो कुछ चावल गौरी के लिए लेकर आता है। गौरी के पास काफी सारा भोजन जमा हो जाता है। रात हो जाती है, आसमान पर बादल थे और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी जैसे ही कालू कौवे के ऊपर गिरता है वो होश में आ जाता है। मैं जिंदा हूँ, मैं बच गया। कौवा बहुत खुश होता है। घर जाकर गौरी को सरप्राइज देता हूँ। कौवा अपने घर को उड़ता है। रात थी और बारिश भी, इसलिए उसे कोई भी नहीं देखता। वो अपने घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। इस समय तेज बारिश में कौन होगा? शायद कोई पक्षी मुझे भोजन देने आया होगा। गौरी दरवाजा खोलती है। मैं आ गया, मैं बच गया गौरी। भूत भूत, कालू का भूत आ गया, कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गौरी गौरी होश करो, मैं कालू का भूत नहीं बल्कि सच का कालू हूँ। नहीं विश्वास तो मुझे छू कर देख लो। फिर गौरी डरते डरते कालू को छू कर देखती है। वो घर के अंदर चले जाते हैं। मगर मिठू ने मुझे बताया कि तुम मर गए हो। मैं तो खुद को मरा हुआ ही समझ रहा था, मगर जब बारिश का पानी मेरे मुंह में गया तो मैं होश में आ गया। बहुत भूख लगी है गौरी, मगर घर में तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत कुछ है, मीठा फल है, अमरूद है और चावल भी। क्या खाओगे मेरे पति जी? चावल, मेरा चावल खाने का मन कर रहा है। फिर कालू कौवा जी भाई के चावल खाता है। गौरी मैं तो मर गया था, फिर ये भोजन घर में कैसे आया? पक्षियों ने विधवा समझकर मेरी मदद की है, सब पक्षी आज शाम मुझे भोजन देकर गए थे। इसका मतलब सब मुझे मरा हुआ ही समझ रहे हैं। कालू जी एक उपाय आया है मेरे दिमाग में, अब तुम मर गए हो तो मरे ही रहो, ऐसे हमें मुफ्त में भोजन मिलता रहेगा और हम जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। कैसा? मैं दिन में अपने मामा जी के पास चला जाया करूँगा और रात होते ही घर लौट आया करूँगा। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू मुंह अंधेरे ही अपने मामा जी के पास चला जाता और गौरी घर में बैठकर अपना नाटक शुरू कर देती। कालू मेरा कालू, चिड़िया घर में भोजन भी है मगर कालू के बिना ये घर बहुत सूना सूना है, मुझे कालू जी की बहुत याद आती है। हौसला करो गौरी, सबर करो, हम सब आपके साथ हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और गौरी के पास काफी सारा भोजन जमा हो जाता है। कालू जी एक बात कहूँ, गुस्सा ना करना। गौरी कहो कहो। पति जी ये भोजन जरूरत से ज्यादा है, मैं सोच रही हूँ कि मैं ये भोजन कबूतर की दुकान पर बेच दूँ। ऐसे पक्षी क्या सोचेंगे?
ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूँगी। दूसरे दिन गौरी सारा भोजन एक थैले में डालकर कबूतर की दुकान पर ले जाती है। कबूतर भाई, ये दाना मेरे भाई लाए थे मेरे लिए, मेरी जरूरत से ज्यादा है, ये आप रख लें और मुझे पैसे दे दें। गौरी, कालू के मरने से तुम्हारे तो हालात ही बदल गए। पहले दाना खाने को नहीं मिलता था और अब बेचने आ गई हो। भाई कबूतर, क्या करूं? और भी खर्चे हैं, ठंड आ रही है, मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं। फिर कबूतर गौरी से भोजन लेकर उसे पैसे दे देता है। बूढ़ा कौवा उड़ता हुआ चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, मैं मेहंदी भी हूँ और मेरा घर भी अपना है। आपकी पड़ोसन गौरी कौवी विधवा हो गई है, आप मेरी शादी उससे करवा दें। बूढ़े कौवे, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं बात करूँगी गौरी से। एक दो तीन चार, अगर ऐसे ही पैसे जमा होते रहे तो मैं अपने लिए सोने का हार भी ले लूँगी। चिड़िया आ जाती है और गौरी जल्दी से पैसे छुपा लेती है। गौरी बहन, मैं आपसे एक बात करने आई हूँ। करो करो चिड़िया, क्या बात है? गौरी बहन, आज मेरे पास बूढ़ा कौवा आया था, उसका घर भी अपना है, वो आपसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर गौरी की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं कभी अपने पति को नहीं भूल सकती, मैं दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकती, मैं विधवा ही जिंदगी गुजार लूँगी। जैसे आपकी मर्जी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात होते ही कालू भी घर लौट आता है। गौरी, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। वो चिड़िया की बच्ची मेरी दूसरी शादी करना चाहती है। क्या गौरी, ये तो बहुत बुरी खबर है, ऐसे तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। अच्छा भला काम चल रहा था, मैंने सोचा था कि एक दो बार और भोजन कबूतर को बेचकर सोने का हार लूंगी। वो बैठे बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जल्दी से संदूक के पीछे छुप जाओ, जल्दी करो। कौन हो तुम? मेरा नाम बूरा है, चिड़िया ने आपसे बात की तो होगी मेरे बारे में, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। चले जाओ तुम यहाँ से, चले जाओ। गौरी, कालू तो बहुत नखट्टू था, अच्छा ही हुआ जो मर गया, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। ये सब सुनकर कालू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक डंडा उठाकर बाहर निकलता है। तेरी ऐसी की तैसी, भूत भूत, कालू का भूत आ गया। बूढ़ा शोर मचाता है और कालू उसे मारने लगता है। दूसरे पक्षी भी शोर सुनकर वहाँ आ जाते हैं और वो सब कालू को जिंदा देखकर गुस्से में आ जाते हैं। इसका मतलब कालू तुम जिंदा हो? इतना बड़ा धोखा तुमने हमें उल्लू बनाया, मारो इन्हें मारो। फिर सब पक्षी उनकी खूब पिटाई करते हैं और ऐसे कौवे और कौवी का झूठ पकड़ा जाता है।